श्री योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस, स्थान दानापुर। ऑफिस के किरानी बाबू ने कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो किरानी बाबू ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी और फिर बाहर चला आया। साहब दार्शनिकों की तरह खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर किरानी बाबू आए तो देखा साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं। सर, साहब ने गौर से किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मन नहीं लग रहा है, फाइलें रखकर आप जा सकते हैं। किरानी बाबू ने नम्रतापूर्वक पूछा, क्षमा करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म करें। साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है, मेरी पत्नी सख्त बीमार है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, वहां रहता तो देखरेख करता। किरानी बाबू ने कहा, तभी मैं सोच रहा था कि क्या बात है जो साहब आज फाइल में हाथ नहीं लगा रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। किरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस किरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे, हमेशा न जाने क्यों अपने आप में खोए से रहते थे, बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आंखें ढपी रहती थी। कुछ लोग इन्हें आनंदमग्न बाबू भी कहते थे क्योंकि हमेशा आनंद में डूबे रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मुझे कृपया तंग ना करें, अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें समाप्त होने पर किरानी बाबू ने कहा, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं, वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं, अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर किरानी बाबू अपनी बातें कह रहे थे और उधर साहब मुस्कुराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर चले आ रहे हैं। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली, इसके लिए धन्यवाद, ईश्वर करे कि आपकी बातें सही हो। अब आप अपने टेबल पर चले जाइए। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय समझ गए कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच मैंने क्या किया, समय आने पर स्वयं ही चकित रह जाएंगे। एक माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहिड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू आपको साहब ने याद किया है। साहब ने इन्हें देखते ही कहा, पगला बाबू आप कमाल के आदमी हैं, लगता है आप कुछ ज्योतिष वगैरह जानते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली। श्यामाचरण जी यह तो समझ गए कि साहब के कहने का क्या उद्देश्य है, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने पूछा, कौन सी बात सर? साहब ने प्रसन्न भाव से कहा, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था सब सही निकला, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है। सच पूछिए तो इधर मैं बहुत चिंतित था, आज पत्नी का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैडम को आने दो, मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊंगा। इस घटना के 20-25 दिन बाद एक दिन पुनः श्यामाचरण जी की बुलाहट हुई। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये है माय गॉड। कहने के साथ ही
मीम साहब कुर्सी से उछल पड़ी। साहब ने चौंककर पूछा, क्या बात है? मीम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब ने कहा, पगला बाबू कब आए, यह क्या पूछ रही हो? लहड़ी महा से सब कुछ समझ गए। बिना कुछ बोले वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मीम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़ी आश्चर्य की बात है, लगता है जैसे यहां आकर जादू देख रही हूं। घर में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं, उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो। कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर भेज दो। जल्दी भारत चली जाओ वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया। मैं यह भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो, कहां रहते हो और मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही थी और आज इस शख्स को देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर साहब कम विस्मित नहीं हुए। बंगाल में तीन संतों की चर्चा पिछले 100 वर्षों से होती आ रही है, सर्वश्री लोकनाथ ब्रह्मचारी, श्यामाचरण लाहिड़ी और स्वामी विशुद्धानंद। दरअसल इन संतों से अनेक भक्त उपकृत हुए हैं, इसलिए इनकी कहानियां बराबर सुनाई जाती है। लाहिड़ी महाशय का जन्म नदिया जिले के घुरनी गांव में 30 सितंबर सन 1828 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता की प्रथम पत्नी से 2 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात आपके पिता श्री गौर मोहन लाहिड़ी ने पुनर्विवाह किया। द्वितीय पत्नी के गर्भ से आप प्रथम पुत्र हुए। आपके पैतृक निवास स्थान में जलंगी नदी बहती थी जिसने सहसा अपना मार्ग बदल दिया। इस दैवी दुर्घटना के कारण आपका घर नदी के उदर में चला गया। कुछ दिनों बाद आपके पिता काशी चले आए। लाहिड़ी महाशय नदिया जिले से अचानक काशी क्यों चले आए, इस विषय में मतभेद है। यहां आकर बंगाली टोला स्थित एक भवन में सपरिवार रहने लगे। होनहार विरवान के होत चिकने पात। कहावत के अनुसार बचपन से ही श्यामाचरण अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे। महाराजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित हाई स्कूल में बंगला, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा फारसी भाषा की शिक्षा आप लेने लगे। यहां की शिक्षा संपूर्ण करने के बाद आप संस्कृत कॉलेज में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। तत्कालीन भारत विख्यात संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान नागोजी भट्ट की आप पर विशेष कृपा थी। उनसे आप उपनिषद और शास्त्र पढ़ते रहे। गौरमोहन लाहिड़ी के पड़ोसी श्री देवनारायण सान्याल थे। दोनों व्यक्तियों में गहरी मैत्री थी। इसे और सुदृढ़ करने के लिए दोनों समधी बन गए। श्यामाचरण का विवाह सान्याल की पुत्री काशी मोनी देवी से सन 1846 में हुआ। आप 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता बने। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट पद पर आपकी नियुक्ति हुई। कई जगह बदली होने के बाद आपकी बदली दानापुर में हुई। अचानक परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। आप शांतिप्रिय व्यक्ति थे, सभी संपत्ति अपने सौतेले भाई के जिम्मे छोड़कर गरुड़ेश्वर में अपने लिए नया मकान खरीद लिया। एक दिन ऑफिस जाते ही ज्ञात हुआ कि दानापुर से उनकी बदली रानीखेत हो गई है। काशी में पूरा परिवार छोड़कर आप रानीखेत रवाना हो गए। उन दिनों यानी सन 1868 ईस्वी तक इधर रेलवे लाइन नहीं आई थी। विभिन्न प्रकार की सवारियों के जरिए आप रानीखेत के ऑफिस में पहुंचे। वहां कुछ दिनों बाद जब कार्य कब्जे में आ गया तब आप नित्य हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए
कई मील पैदल घूमने चले जाया करते थे। एक दिन आप टहलते हुए द्रोणगिरी तक चले गए। सहसा आपको लगा जैसे कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो। पुकारने वाले ने एक या दो बार पुकारा होगा, पर पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज बार बार गूंजने लगी। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान स्थान पर मेरा परिचित कौन हो सकता है। आप पुकारने वाले व्यक्ति को चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर खोजने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंचे शिखर पर एक युवक दिखाई दिया जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उसके पास जाने पर भी युवक को लाहिड़ी महा से पहचान नहीं सके। उक्त अपरिचित युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। लाहिड़ी महाशय ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर बताया, नहीं। उन्हें साथ लेकर वह युवक एक गुफा के पास गया और भीतर रखे कंबल तथा कमंडल को दिखाते हुए कहा, क्या इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूं। इधर देख रहा हूं कि आप मेरा नाम तक जानते हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहां बुलवाया है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यहां से वापस चले जाना पड़ेगा। लाहिड़ी महाशय का विस्मय अभी तक दूर नहीं हुआ था। वे जड़ भरत की तरह खड़े उस युवक को देख रहे थे। तभी उस युवक ने श्यामाचरण के ललाट को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही लाहिड़ी महाशय का समस्त शरीर झंझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं। उन्हें स्मरण हो आया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। यह कमंडल उन्हीं का है, इसी आसन पर वे बैठते थे। अब उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। उन्होंने उक्त अपरिचित युवक को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हां अब पहचान गया, आप मेरे गुरुदेव हैं। यह गुफा मेरी साधना भूमि है, अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी। पिछले 40 वर्षों से मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहां से वापस जाने के बाद से मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही। अब जाकर तुम मेरे पास आए हो, अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस पात्र से थोड़ा तेल पीकर नदी किनारे जाकर लेट जाओ। गुरुदेव के आज्ञानुसार लाहिड़ी महाशय तेल पीकर नदी किनारे जाकर वहीं लेट गए। पहाड़ की ठंडी हवा बदन से टकराने लगी। वेगवती नदी की प्रखर ध्वनि को परास्त करती हुई कभी कभी वन्य पशुओं की दहाड़ सुनाई देती रही। धीरे धीरे लाहिड़ी महाशय ने अनुभव किया कि उनके शरीर में ऊष्मा बढ़ रही है। कुछ देर तक इस स्थिति में वे पड़े रहे। सहसा किसी की पगध्वनि सुनाई दी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर कुछ सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर लाहिड़ी महाशय ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अभी तो अर्धरात्रि है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी ताकि आपके पिछले सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। मैंने महावतार बाबा जी पे भी एक 5 घंटे की पुस्तक का ऑडियो बुक बनाया है, जिसमें इस महल के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अगर आप उस ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है amsugyan@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धड़कते हुए हृदय से लाहिड़ी महाशय उस अपूर्व महल के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा। चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था।
जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था उसी से उन्हें सूर्योदय का भ्रम हुआ था। दरवाजे के पास कई गुरु भाई खड़े थे। हवा में तैरते हुए अपूर्व सुगंध मन को उत्फुल्ल कर रही थी। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी महाशय ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी मंत्र पाठ कर रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लगने लगा। अपने जीवन में कभी इस प्रकार का दृश्य देख सकेंगे इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सिर रखकर लाहिड़ी महाशय भूमि पर लेट गए। गुरुदेव ने कहा, जागो वत्स, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रियायोग की दीक्षा ग्रहण करो। सामने स्थित होम कुंड के आगे गुरुदेव ने जो ही हाथ फैलाया त्यों ही उसके चारों ओर फूलों के ढेर लग गए। प्रज्वलित कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय ने एक बार महल को जी भरकर देखा। इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने आंखें खोली। उस वक्त वहां ना सोने का महल था और न वे संत थे जिन्हें आते समय लाहिड़ी महाशय ने देखा था। इस समय वे चीर परिचित गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे थे। यह दृश्य लाहिड़ी महाशय के लिए अद्भुत था। अभी इसी विषय पर कुछ सोच रहे थे कि तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, श्यामाचरण, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेशानुसार लाहिड़ी महाशय गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वे समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। आठवें दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। शीघ्र ही तुम्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इसी कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहां वापस बुला लेंगे। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए, अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के रूप में नहीं बल्कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए जन कल्याण कार्य करना होगा। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग यह जान सकेंगे कि उच्च स्तर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। यह याद रखना कि योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सर्वस्व त्याग कर सकता है वही इस मार्ग के लिए योग्य है। इस घटना के बाद लाहिड़ी महाशय में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। वे पुनः इस स्वर्ग को छोड़कर कर्म क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे। मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव हमेशा के लिए अपने पास रख ले। लाहिड़ी महाशय के मनोभाव को समझने के बाद गुरुदेव ने कहा, इस जन्म में तुम अनेक जन्मों की साधना से धन्य हो चुके हो। मैंने तुम्हें यहां तब तक नहीं बुलाया जब तक तुम विवाहित नहीं हो गए। अब तुम्हें एक आदर्श गृहस्थ के रूप में आगे का जीवन व्यतीत करना है। अगणित लोग तुमसे क्रियायोग की शिक्षा लेकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे। उन सभी लोगों को यह बताना होगा कि यौगिक साधना गृहस्थ भी कर सकते हैं। यह याद रखना कि जिसे क्रियायोग की दीक्षा देना
उसे गीता के इस वचन को अवश्य सुना देना। निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। आगे गुरुदेव ने कहा, केवल योग्य शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देना, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का संकल्प कर सकते हैं। ऐसे ही लोग इसके पात्र होते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव से बिछुड़ते समय लाहिड़ी महाशय रोने लगे। यह देखकर गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझसे बिछुड़ नहीं रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जहां स्मरण करोगे तब वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। मेरे लिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। वहां से जब वे अपने कार्यालय में वापस आए तब उनके सहयोगियों को अपार प्रसन्नता हुई। पिछले 10 दिनों से लाहिड़ी महाशय गायब रहे। लोग यह समझ चुके थे कि वे किसी वन्य पशु का शिकार हो गए हैं अथवा अन्य किसी दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया है। सहकर्मियों के बार बार प्रश्न करने पर भी लाहिड़ी महाशय ने अपने अज्ञातवास के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं जंगल में भटक कर दूर चला गया था। नई जगह होने के कारण मुझे वापस आने में इतना समय लग गया। कई दिनों बाद प्रधान कार्यालय से आदेश आया कि ऑफिस की गलती से लाहिड़ी महाशय का तबादला रानीखेत कर दिया गया था। उन्हें अविलंब यहां भेज दिया जाए। वहां का कार्य देखने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी उन्हें शीघ्र भेजा जाएगा। रानीखेत से वापस आते समय लाहिड़ी महाशय कुछ मित्रों के अनुरोध पर मुरादाबाद में रुक गए। एक दिन न जाने किस बात पर एक सज्जन ने कहा, आजकल वास्तविक संत हैं कहां, सभी तो क्षेत्रीय भोजन मठे निद्रा वाले हैं। इन लोगों का राजशाही ठाट देखकर ईर्ष्या होती है। बड़े बड़े मठ बनवाकर आम जनता को उपदेश देकर मूर्ख बनाते हैं। असली संत भला कभी इन ऐश्वर्यों को स्पर्श करते हैं क्या? इस बैठक में लाहिड़ी महाशय मौजूद थे। उन्होंने कहा, आपका ख्याल गलत है। भारत में आज भी उच्च कोटि के संत हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे घरों से दूर अपनी साधना में निमग्न रहते हैं। मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान संत हैं जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इतना कहने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने परम पूज्य गुरुदेव की कहानी सुनाने लगे। उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कहा जाता है नया मुसलमान प्याज अधिक खाता है। गुरुदेव की कृपा तथा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण लाहिड़ी महाशय योगी पुरुष बन गए थे, परंतु साधारण नागरिकों की तरह अपने गर्व का शमन नहीं कर पाए थे। अपना मजाक उड़ते देख लाहिड़ी महाशय ने उत्तेजनावश कहा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? अगर मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण यहीं अपने गुरुदेव को बुला सकता हूं। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अचानक श्यामाचरण लाहिड़ी इस अपमान से अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे यह भूल गए कि ऐसे लोगों के बीच चमत्कार नहीं करना चाहिए जो इसके योग्य नहीं है, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लाहिड़ी महाशय एक कमरे में चले गए और कहा कि आप सभी लोग बाहर बैठे रहें, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई भीतर आना तो दूर रहा, झांकने की भी कोशिश ना करे। इतना कहने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के भीतर से गुरुदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि कठोर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामाचरण, तुमने इन पापिष्ट अकर्मण्य मित्रों के कारण मुझे बुलाया, अब मैं जा रहा हूं। अब ऐसे तुच्छ कारणों पर मैं कभी नहीं आऊंगा। गुरुदेव के इस कथन से लाहिड़ी महाशय की अंतरात्मा कांप उठी। तुरंत जमीन से माथा टेकते हुए उन्होंने कहा, अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुदेव,
उत्तेजनावश बाल हट कर बैठा। अविश्वासी मन वाले इन अंधों को यह बताना चाहता था कि भारत में अभी उच्च स्तर के योगी हैं। अब आप आ ही गए हैं तो इन अविश्वासियों को दर्शन देकर इनके भ्रम को दूर करने की कृपा करें। गुरुदेव ने अभयवाणी देते हुए कहा, ठीक है, भविष्य में कभी विनोद के निमित्त मुझे स्मरण मत करना। जब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तभी मैं आऊंगा। इस आश्वासन को पाते ही लाड़ी महाशय ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग चकित दृष्टि से उनके गुरुदेव को देखने लगे। फिर भी एक अविश्वासी बोल उठा, यह तो सामूहिक सम्मोहन है, वास्तविक नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए, आगे बढ़कर उन्होंने सभी को स्पर्श किया और प्रसाद के रूप में हलवा दिया। जो ही लोगों ने हलवा मुंह में डाला त्यों ही वह प्रकाश लुप्त हो गया। इन दर्शनार्थियों में से एक सज्जन ने आगे चलकर लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। आगे की जीवनी जारी रहेगी, आप सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारे संतों की जीवनी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं।